एक्स के उन मानों को ज्ञात करो, यानी फाइंड दैट वैल्यूज ऑफ एक्स जिनके लिए वाई इज इक्वल टू, फॉर विच फंक्शन, बेटा वाई लिखो चाहे एफ एक्स लिखो एक ही बात है, क्योंकि वाई को एफ एक्स ही बोलते हैं, और कितना लिखा एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक वर्धमान फलन है इज, एक वर्धमान है ए इंक्रीजिंग एन लगेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंग्लिश कन्वर्जेशन इसका ही बनेगा ऐसा कि हमें एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालने जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, नोटंगी नहीं करो, लात मारेंगे अभी से। एफ एक्स की वैल्यू नोट करो, शांत बैठो चुपचाप। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरा कदम क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कहते हैं, पूरे का होल स्क्वायर है स्क्वायर, दोनों में बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसके बाद पहला कदम क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर लो, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स मिलेगा फर्स्ट फंक्शन, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ये पुरानी बातें हैं तो कौन भूल गए हो, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे पहले डिफरेंशिएशन, भाई ये कहा यहीं रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले पावर फिर पावर माइनस वन, फंक्शन क्या था दोबारा करो तो एक्स का वन टू का ज़ीरो, आगे बढ़े इसका तो करना ही नहीं डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का बहुत बढ़िया, तो एफ डैश एक्स क्या बना टू आगे रख लें टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये तो नहीं प्लस एक्स माइनस टू टू एक्स, अब इन दोनों से क्या कॉमन है, हाँ और भी कुछ है, टू एक्स भी तो है, तो यहाँ से क्या आया एक्स, यहाँ से एक एक्स माइनस टू आ जाएगा, बोलते क्यों नहीं, तो एफ डैश एक्स टू एक्स आगे रख लेंगे उसके बाद, और यहाँ टू एक्स माइनस टू। अब बताओ क्या, तो वहाँ पे बता दो हमका बताएं क्या काम है, यहाँ से टू एक्स माइनस वन, तो अब यहाँ से अरे वाह फोर एक्स, अरे बहुत ज़्यादा तुमने हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब इसके बाद का सीन क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो लिखेंगे फॉर इंटरवल या फॉर मेकिंग इंटरवल, यानी अंतराल बनाने के लिए क्या क्या बड़ा सा कदम उठाते हैं, एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल ले लेते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी फोर एक्स, अभी अभी निकाली थी फोर एक्स, और बोलो हाँ हाँ जीरो, ठीक एक बार इसको जीरो ले लो तो फोर एक्स तो फोर एक्स की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, एफ दूसरा पकड़ो एक्स की वैल्यू, थर्ड केस बेटा एक्स की वैल्यू, बहुत बढ़िया। इसके बाद इंटरवल बनाते हैं, गणित की भाषा में कोई चैन नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है प्लस इनफाइनाइट, सबसे छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, इनमें सबसे छोटी कौन है, पहले जीरो का प्लेस आया इस जगह, फिर उससे बड़ी कौन है, हाँ वन है, वो बाद में आएगी, सबसे बड़ी कौन है, इस क्रम में इनको बैठा दिया बीच में, ये पहला इंटरवल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो अंतराल यानी इंटरवल्स, पहला क्या है छोटा ब्रैकेट आएगा इनफाइनाइट में, और इसमें छोटा ब्रैकेट देगी बड़ा जैसा तुम कहो, छोटा ब्रैकेट दे छोटा दे तो अगली बार बड़ा आएगा, तो अब यहाँ से आ गए, अब जीरो से बन जाएंगे, जीरो से बन, जीरो में यहाँ छोटा ब्रैकेट था, अब बड़ा ब्रैकेट आएगा यानी बिग ब्रैकेट, तो अगली बार स्मॉल ब्रैकेट,
अब अगला इंटरवल वन से टू, यहाँ वन में बिग स्मॉल ब्रैकेट था तो अगली बार बिग ब्रैकेट, तो अगली बार टू में स्मॉल ब्रैकेट। अब लास्ट क्या था, टू से यहाँ टू को स्मॉल ब्रैकेट तो अगली बार बिग ब्रैकेट, और इनफाइनाइट हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही लेता है, चाहे नेगेटिव इनफाइनाइट हो चाहे पॉजिटिव। इतने इंटरवल आ गए, एक को चेक कर लो, बाकी नेचर बदल बदल के देता है। जैसे ये हो गया वर्धमान, तो अगला राशमान, अगला वर्धमान, अगला राशमान। अगर ये हो गया राशमान तो अगला वर्धमान, अगला राशमान, फिर अगला वर्धमान। यानी अगर ये इंक्रीजिंग हो गया तो अगला डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग हो गया तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यानी चारों नहीं चेक करने, हम एक केवल चेक कर लें। तो चलो किसकी चेकिंग करेंगे, ऑन चेकिंग ऑफ माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, इसके बीच की कोई वैल्यू बताओ, जो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो और जीरो से छोटा हो। माइनस वन पसंद किया, जांच कौन कराता है, एफ डैश एक्स। ठीक, चलिए तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 4x एक्स माइनस टू, वेरी गुड। तो 4x की वैल्यू क्या पसंद की, ठीक क्या पसंद की, x की वैल्यू क्या पसंद की, हर जगह x की वैल्यू माइनस वन पटक दी, 4 माइनस वन माइनस थ्री, यहाँ से माइनस टू, नेचर पकड़ो, 4 कैसा है पॉजिटिव, ठीक ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है नेगेटिव, ये कैसा है नेगेटिव, नेचर पकड़ते हैं वैल्यू छोड़ देते हैं। इनका इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, इनका इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, अब इनका इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताता है, ह्रासमान फंक्शन है, यानी फलन हमारा ह्रासमान है, यानी डिक्रीजिंग है, कैसा है डिक्रीजिंग। अब आंसर कैसे देंगे, ये तो डिक्रीजिंग है तो अगला उल्टा होगा, इंक्रीजिंग होगा फिर अगला उल्टा होगा, वो डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो आंसर देने का तरीका देख लो, चार्ट बनाएंगे ऐसे, और पहला इंटरवल क्या है माइनस इनफाइनाइट से ज़ीरो, पकड़ो भैया, दूसरा इंटरवल क्या है वन ज़ीरो से वन, तीसरा इंटरवल वन से, यहाँ पे बिग ब्रैकेट होगा, वन से टू बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, टू से स्मॉल ब्रैकेट और टू यहाँ पे है मूर्ख, किसी को एक बार मिलाओ समझ जाओ कहीं बिजी है इसलिए रिसीव नहीं कर रहा। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पे क्या नेचर आया था, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आया था, तो अगली बार क्या होगा इंक्रीजिंग, अगली बार डिक्रीजिंग, अगली बार पूरे सब चेक करने में टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि नेचर हमेशा चेंज होके आते हैं। डिक्रीजिंग मतलब एरो नीचे होगा, इसका एरो इंक्रीजिंग यानी ऊपर जाएगा एरो का सिंबल, डिक्रीजिंग है तो फिर एरो का सिंबल नीचे, इंक्रीजिंग है फिर एरो का सिंबल ऊपर, और इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब डिक्रीजिंग मतलब यहाँ पे वर्धमान, यहाँ पे ह्रासमान, डिक्रीजिंग पे ह्रासमान, वर्धमान ह्रासमान, वर्धमान, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, पूरी स्पेलिंग लिख लेना, ठीक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है।